हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलबीर में। आज का वीडियो जो एसटेट पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो वो आपके लिए लेकर आए हैं। वही आपको आंसर दिए जाएंगे जो ऑफिशियल आंसर के में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और आप चेक कर लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और कमेंट करके भी बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल आंसर की आपके सामने लेके आए हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर कूल बॉय कूल भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ण में उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है? तो ये सही आंसर आया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, तो ये आ जाएगा आपका एनिमिज्म, ठीक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मैकलिलैन ने, ठीक है। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया था बिल्लक ने। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? तो ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये ऑफिशियल ही आपको आंसर बताए जा रहे हैं यहाँ पे। 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है वो किस प्रकार का बच्चा होता है? औसत बुद्धि वाला। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? ये की जाती है टेलर फ्रेम, ठीक है। बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? यह करता है सामाजिक अधिगम। निम्न में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो यह हो जाएगा बुद्धिमता, सॉरी इसका सही आंसर आ जाएगा संग्रहण, ठीक है, बी ऑप्शन रिटेंशन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्वलोकन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3 कड़वी दवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आ जाएगा सेकंड, ये एक आयामी होता है, ठीक है। अधिगम असमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल क्रिक के द्वारा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, कोलर वर्दीमर कोप का जो है उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? तो इसमें अभिप्रेरणा आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है पियाजे ने। ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है किसका? थर्ड ऑप्शन वृहित तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 गुप्तावस्था। उसके बाद है, कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास निम्न किस सतर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? यह आ जाएगा डेवलपमेंट, ऑप्शन 4 विकासात्मक मनोविज्ञान। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा की जाती है? ये की गई थी वर्दीमर के द्वारा। डिसकैलकुलिया एक प्रकार है किसका? अधिगम असमता का। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन 1 नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। भय संवेग किस प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है पलायन से। श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है किसके ऊपर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं किसके? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए। काल्पनिक और जो दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? यह है किशोरावस्था से।
मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता कौन है? विलियम वुंट। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं किसमें? फर्स्ट में, ठीक है, संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान। उसके बाद हिंदी का पार्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? पुत्र। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियत्री। वर्तनिक दृष्टि से जो सही शब्द है ये हो जाएगा आजीविका, ठीक है। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, कौन सी क्रिया है? अकर्मक। उसके बाद नेक्स्ट है, वाग में शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। मन में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा व्यवहार। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इमा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध हो जाएगा, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अरे जरा इधर तो आ वाक्य में अव्यय का भेद कौन सा हो जाएगा? विषमयादि। जंगल की अग्नि के लिए ये होता है दावाग्नि। के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं? ये हैं संप्रदान के। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? तो ये नहीं जुड़ा है, कुलीन में। जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके हिसाब से ये आपको बताया जा रहा है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कमेंट करके भी बताइए कि कौन से में आपको दिक्कत है। वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। किस विकल्प में अंबुज और अबुद शब्द युगम का सही अर्थ या भेद है? तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कमल और बादल का। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये है, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश का पार्ट, मैच करना था तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में ए का थर्ड है, बी का वन है, और सी का फोर है, और डी का टू है, ठीक है, ये हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, अमर्त्य सेन गुप्ता इज एन आ जाएगा। सी सेंग इज स्वीट, स्वीट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। वन वर्ड फॉर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो कोई क्या होता है? वो ऑर्फन होता है। उसके बाद है चू द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा जॉन हैज बीन लिविंग इन इराक सिंस 1942। सिनोनियम ऑफ हेट, हेट का सिनोनियम हो जाएगा डिसलाइक। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है, तो एक विट वाला गलत है। 53 का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब, तो इसमें आ जाएगा व्हाट डिड यू डू विद, ठीक है। एंटोनियम बताना था कूल का, क्या हो जाएगा? होट हो जाएगा। जो द करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। यंग वन ऑफ बियर ये होता है कब, ठीक है, भालू का बच्चा जो होता है उसको कब बोलते हैं? द मिल्क हैज टर्न्ड श्योर, तो इसमें क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा श्योर, खट्टा। द सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी फॉर की, फर्दस्ट, फर्दस्ट। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock। हरीश और हिमसेल्फ, ये हरीश तो नाउन है और हिमसेल्फ क्या है? प्रोनाउन, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की, फर्स्ट का हो जाएगा 2916 स्क्वायर मीटर, नेक्स्ट का हो जाएगा कितना 12, 63 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 64 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ वाई बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, इसका हो जाएगा 21, 66 है इसका हो जाएगा एम प्लस में 2√m+1, 67 का जो इसका हो जाएगा चाचा,
68 है, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 69 जो है इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। 70 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 71 का हो जाएगा 3। 72 का हो जाएगा 10। 73 का हो जाएगा 25। 74 का हो जाएगा 1। 75 का हो जाएगा 11/15। 76 का हो जाएगा पोएम। 77 का हो जाएगा 4000। इनके लिए अलग से वीडियो करवाया जाएगा जिसमें आपको ये समझाए जाएंगे सभी क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल आंसर की आपके लिए लेकर आए, ठीक है। 78 में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 79 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 80 का जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में है, कैथल में कौन सा हो जाएगा, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। घोड़िया नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, शादी के अवसर पे। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, धनपत सिंह। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई कौन है, राव तुलाराम। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में जो इन्होंने दे रखे हैं, दोनों के दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स कहाँ पे है, पंचकुला में है। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण कब बना, 2017 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन कहाँ पे है, हिसार में। हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में बताइए, तो दोनों जो दिए गए हैं ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, विजयवर्धन, ठीक है। उसके बाद है मैथ का पार्ट, तो इसका 91 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन है अनंत। 92 जो है इसका हो जाएगा फ्राइडे। उसके बाद है 93, इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 94 का हो जाएगा 480। 95 का हो जाएगा 244। 96 का हो जाएगा 10√3। 97 का हो जाएगा -5। इसके बाद 98 का हो जाएगा √2। 99 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 100 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 128, 101 का आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 102 का आ जाएगा आपका क्या, 90। 103 का आ जाएगा 4%। 104 का आ जाएगा आपका ज्ञान उपयोग। 105 का आ जाएगा आपका 245। 106 का आ जाएगा 40 वर्ष। 107 का आ जाएगा 8 दिन। 108 का आ जाएगा 900। उसके बाद नेक्स्ट है 109 का आ जाएगा 19/66। 110 का आ जाएगा 729। 111 का आ जाएगा 18 किलोमीटर। 112 का आ जाएगा अस्पष्टता। 113 का आ जाएगा 59। 114 का आ जाएगा 5/6। 115 का आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। 116 का आ जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि निरीक्षणों के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय एवं वैध हैं, ठीक है। उसके बाद है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं S1 हो तो बड़ी भुजा के सामने कौन सा, जो सामने का कोण है वो कैसा होता है,
तो वो हो जाएगा बड़ा। 118 का है इसका 38 हो जाएगा, 119 का है इसका 25, 64 हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 45 मिनट। अब यहाँ पे बात करते हैं ईवीएस की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है? तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। प्लैंकटन, मानव, मछली और टिड्डा। वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनके कॉलम के अनुसार मिलाना है। तो आपको पता है सौभ मंडल में बादल आते हैं, समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति होती है, ठीक है। सी का फोर्थ, मध्यमंडल जो होता है उसमें अधिकतर उल्कापिंड ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो बाह्य मंडल है उसमें उच्च ऊर्जा युक्त अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण होता है। इसमें थोड़ी सी डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, 122 का आप देख सकते हो, ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन पे डाउट है साइको में, एक वो जो लेटर वाला क्वेश्चन था उस पर भी डाउट है। देखिए 123 दे, जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक प्रक्षनली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यह दूधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन और ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो ये हैं सौभ मंडल और समताप मंडल। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है? तो ये है मरुस्थलीय का। उसके बाद है तिथियां दी गई हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कॉलम मिलान करने वाले कुछ ज़्यादा ही आए हुए थे आज, तो इसका 128 का आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है 129 जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बाघ की समष्टि में कमी होगी और घास की समष्टि बढ़ जाएगी। निम्नलिखित तीन तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा ग्रह है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर बर्फ का वलय है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये हो जाएगा शनि ग्रह का, ठीक है। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है? लाइकेन। उसके बाद ये मिलान करना था 132 का, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव वाला रंग कौन सा हो जाएगा? लाल। निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन से में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, हवा, लहरें एवं सूर्य। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं कौन से हैं? तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, वनस्पति का विघटन, ठीक है, ए बी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाएगा एक्वेरियम, मछलीघर। उच्चतम वेदन क्षमता किसमें होती है? गामा किरणों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बात करें थर्ड, पॉलीएथिलीन ट्रेथलेट, ठीक है। टेडबॉल के कायंत्रण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होता है? तो ये होता है आयोडीन। उसके बाद है वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी से सम्मिलित करना है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल जनित आपका हेपेटाइटिस। यहाँ भी मिलान करना था विटामिनों की कमी से, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता किसमें? आंवले में नहीं पाया जाता। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित आहार का मतलब ये तीनों के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं, फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के, ये ऑप्शन नहीं लेना इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम है, इनका मिलान करना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हड्डी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो फास्फोरस।
उसके बाद लुई पाश्चर, जितने भी थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसने पेंसिलिन की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टिक्का किया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है, पॉलीथीन में कौन सा जैव विघटन बहुलक है? तो ये होता है पॉलीविनाइल, सॉरी सेलुलोज, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो है अविघटनीय पदार्थ से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर, ठीक है। ये था दोस्तों पेपर स्टेट का जो हुआ है। इसमें आपको एक दो डाउट के क्वेश्चन जो लगे मुझे वो आपको बता भी दिए हैं मैंने। एक तो ईवीएस से है और एक जो रीजनिंग में आया हुआ था, एक कहाँ आया हुआ था, जो जो वर्ड है, लेटर है, फ्रेज है, वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे तो उनमें डाउट लग रहा है, तो आप भी बताएं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमें भी पता लगे किसी को क्या डाउट है, ऑब्जेक्शन वाले भी डालने हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़रूरी है, ये देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात करें तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है? लेटर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनेगा? फ्रेज। यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया चार वाला, तो ये मेरे हिसाब से तो लग रहा है गलत। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।